अपने YouTube चैनल को सोशल मीडिया लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं या सोशल मीडिया बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न एंड निंजाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद YouTube आपको पुरानी लेआउट में ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर इस पेंसिल वाले निशान पर क्लिक कीजिए और एडिट लिंक्स पर क्लिक करें। अच्छा, एडिट लिंक्स पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ एक बार फिर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करें और यहाँ से जनाब आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यह है कस्टम लिंक्स, तो यहाँ चलिए ऐड करते हैं। ऐड पर क्लिक करते हैं। यहाँ एक लिखा हुआ है लिंक टाइटल और ये लिखा हुआ है यूआरएल। लिंक टाइटल का मतलब यह है कि अगर आपका फेसबुक पेज है तो वो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखे फेसबुक। अगर आप ट्विटर का ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर लिखे ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वो लिखे। यहाँ पर अपने पेज का या अपने अकाउंट का यूआरएल टाइप कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फेसबुक फेसबुक और यहाँ अपने फेसबुक पेज का मैं यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। यह है जनाब मेरा फेसबुक पेज और ये मैं इसका यूआरएल कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए जनाब मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो यहाँ पर ऐड हुआ। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा कि वो वहाँ पर कैसे शो होता है। चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी ऐड करता हूँ। तो ऐड पर क्लिक करता हूँ, लिंक टाइटल में टाइप करता हूँ सबसे पहले ट्विटर ट्विटर और यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट का यूआरएल वो कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए जनाब मेरे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ ये कॉपी हो गया। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम का भी करता हूँ तो ऐड और यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टाग्राम और यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का यूआरएल वो कॉपी कर देता हूँ। यह मेरा यूआरएल, यह कंट्रोल सी और ये हो गया कंट्रोल वी। इसके बाद आप पाँच तक कर सकते हैं। ये देखिए ओले पोस्ट पाइप कस्टम लिंक्स है ना, यहाँ आप पाँच लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो वो सब करने के बाद अगर आप और भी करते हैं करना चाहते हैं तो वो सब करने के बाद डन पर क्लिक करें और ये देखिए जनाब आपके अकाउंट्स के वो ऐड हो गए लिंक्स। चलिए अब देखते हैं कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए जनाब ये मेरे फेसबुक का है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे फेसबुक पेज पर जाएगा, अगर कोई भी यहाँ पर क्लिक करे तो मेरे फेसबुक पेज पर डायरेक्ट जाएगा, यहाँ अगर क्लिक करे तो मेरे ट्विटर पर, यहाँ मेरे इंस्टाग्राम पर। तो चलिए क्लिक करते हैं फेसबुक पर। तो ये देखिए जनाब ये मेरे उसी पेज लर्न एंड एंजॉय पर ले गया। तो इसी तरह दिखाई देते हैं न्यू वर्जन में। चलिए मैं देखता हूँ न्यू लेआउट में सॉरी के वो कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए जनाब न्यू वर्जन में ऐसे नज़र आता है। अच्छा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।